देखो मैं आपके लिए क्या लाई। मैं जब तेरे स्कूल से आ रही थी ना फीस जमा करा कर, तो मैंने एक न्यू स्टेशनरी की शॉप देखी। अच्छा तो आप मेरे लिए स्कूल बैग लाए? अरे नहीं, स्कूल बैग तो अपन ने लास्ट ईयर लिया था ना। मैं ना तेरे लिए स्टेशनरी के आइटम लाई हूँ। अच्छा तो क्या क्या लाया मेरे लिए? एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। बस एक ही? एक पेंसिल में पूरा साल काम चला लूंगा। और क्या, तू कितनी पढ़ाई करता है? इतनी तो पढ़ाई करता है यार। अरे देख तो सही मैं क्या क्या आइटम लाई हूँ, ये देख। अरे वाह, एस्ट्रोनॉट वाली डायरी। और इसमें लॉक भी है। हाँ, आपको चाहिए थी ना पियो दीदी की जैसी लॉक वाली डायरी। वाह मम्मा कितनी अच्छी है। अच्छी लगी ना? हाँ। ओ वाह, अरे वाह, रोबोट वाले शार्पनर। हाँ अच्छी तरह से डाली। हो गई। और ये देखो, ये क्या है? इरेजर। और इसमें पेंसिल के पीछे लग जा रही है। ये ऐसा ही है। और कौन सा कलर चाहिए मम्मा? ये लो थम्स अप। और ये पंच। लाइक करो। लाइक करो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो स्टिकर्स, आप इसको ना अपनी कॉपीज पर लगा सकते हो, अपनी बुक्स पर लगा सकते हो। ये देखो आपके लिए इरेजर। नहीं मम्मा, ये तो पेन है। पेन नहीं है, ये इरेजर है कैक्टस वाले शेप में। ऐसा लग रहा है मैंने पेन पकड़ा। और ये लो, ये है पेन, ये आपकी टीचर के लिए। अच्छा। जो आपको मार्क्स देगी। लेकिन मम्मा मैं सब आइटम्स को रखूंगा कहाँ? ये लो आपका न्यू बॉक्स। वाओ, डायनासोर वाला नया बॉक्स। हाँ कितना अच्छा है डायरी के शेप का। अब इसके अंदर आप अपनी पेंसिल, पेन, इरेजर सब रख सकते हो। हैप्पी? बहुत ज्यादा। अरे वाह, आयु का पेंसिल बॉक्स तो सेट हो गया। अब मैं इसी के साथ स्कूल जाऊंगा। तो चलो, अब आपकी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है, अब आप रेडी हो जाओ और ट्यूशन जाओ, ठीक है? मम्मा मैं इसको ट्यूशन लेके चले जाऊँ? हाँ, आपके लिए तो है। थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे स्टेशनरी के आइटम लाए। वेलकम। चलो अब ट्यूशन जाना है, फटाफट बैग सेट कर लो। हाँ। उसका दूध रेडी करो। मम्मा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, बाय। आयु रुको। क्या हुआ? दूध भी तो पीना है। और सुनो, स्टेशनरी का आइटम तो अच्छा अच्छा आ गया है, अब थोड़ी पढ़ाई भी अच्छी अच्छी कर लेना। चलो सब लोग अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो। क्या मैम, आज इंग्लिश पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ते हैं ना? नहीं 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 मैम, आज हिंदी पढ़ते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज एसएससी पढ़ेंगे। अरे यार मैम, नहीं मैम, हमें ना एक काम करते, जीके पढ़ते हैं। नहीं मैंने बोल दिया आज हिंदी पढ़ेंगे। जीके पढ़ेंगे? मैंने बोल दिया सो बोल दिया आज हिंदी पढ़ेंगे। जीके हिंदी। अरे अब चुप हो जाओ सब, अब मानवी बताएगी क्या पढ़ेंगे। चलो मानवी तुम बताओ। मैम चलो छुट्टी दे दो ना आज की। कोई छुट्टी उठी नहीं, सब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अच्छा तो फिर मैम क्या करना है? जो मैंने बोला, इंग्लिश की नोटबुक निकालो। वैसे देव तेरे को मैथ्स की टेबल आती है? हाँ मुझे तो सारी टेबल आती है, कोई सी भी पूछ ले। अच्छा यार ना आपको आती है? लेकिन मेरे को सिर्फ 10 की टेबल आती है। सिर्फ 10 की? सिर्फ 10 की? अच्छा मैं तो पूछ रहा था 13 की किस किस को आती है। हाथ ऊपर करो। अरे अच्छा अब कोई, अब कोई मैथ्स नहीं, मैंने इंग्लिश बोला ना तो इंग्लिश पढ़ेंगे। अरे मैम टेबल सुन तो लेते सर। अरे इंग्लिश स्टार्ट करो। चलो मैम टेबल सुन लेते ना बस। चलो सुनो। 13, 20, 30, 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 30
3 और अपनी अपनी पेंसिल भी निकालो सब लोग। अच्छा सुनो, आपको होमवर्क मिला है? हाँ मिला तो है, लेकिन मम्मा मैं अभी नहीं
करूंगा, मैं रात को करूंगा, अभी मैं खेलने जाऊंगा। अच्छा सुन आयु, एक काम कर जा, तू तेरा बैग सेट कर जा, क्योंकि तू रोज भूल जाता है, फिर मुझे करना पड़ता है रात को। ठीक है, बैग सेट करके खेलने चल जाओ। मैं खाने की तैयारी करूँ। लड़का भी है ना? हाँ, क्या हुआ? वो मेरा बॉक्स पता नहीं किधर गया। कौन सा वाला बॉक्स? नया वाला डायनासोर वाला लाए थे ना। तो अभी तो आप ट्यूशन लेकर गए थे। वो नहीं है। बैग में ढंग से देखोगे नहीं और फिर बाद में बस ये कहाँ है वो कहाँ है। सही में नहीं है। तो तू ट्यूशन बुलाया होगा, अभी तो लेकर गया था। हो सकता है ट्यूशन बुलाया हूँ, जाकर मैं चेक करता हूँ। संभाल कर रखेगा नहीं, फिर बाद में मम्मा 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 लगाए रखेगा। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ मेरे ट्यूशन मैम के घर, मेरा बॉक्स छूट गया। अब प्लीज मेरे लिए प्रे करना कि मुझे वो मिल जाए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना, ऐसा मैं सब्सक्राइब का बटन। अब जाता हूँ मैं। मैम। अरे आयु, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए तुम? मैम मेरा शायद तक बॉक्स यहाँ पे रह गया है। अच्छा, तो देख लो बेटा यहाँ कहीं होगा। देखो उस तरफ, देखो बैठ के नीचे देखो। तो बेटा मेरे को तो नहीं पता। मेरे बैग में तो देखो। बेटा आपके बैग में ही होगा, एक बार चेक कर लो। हमने घर में भी देख लिया, पता नहीं कहाँ है। बेटा यहाँ पर तो नहीं है, जब तुम गए थे ना तो मैंने पूरा बेड अभी समेटा था। ओके मैम। ओके बेटा। क्या हुआ, मिल गया ना? देखा, मिल गया ना? मैंने बोला था चीजें संभाल कर रखते नहीं हो, और बस। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? मिला या नहीं मिला? मुंह क्या हिला रहे हो, बताओ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला मम्मा, मेरा बॉक्स। अरे रो क्यों रहे, तूने मैम से पूछा था या नहीं पूछा? मैंने पूछा था, मैंने पूरा रूम भी देख लिया, पर मुझे तो नहीं मिला बॉक्स। नहीं मिला? यार आयु तू करता क्या है यार, आज तो लेकर आई हूँ, आज ही घुमा दिया। रोना बंद कर पहले तो, और मेरी बातों का जवाब दे। तूने किसी फ्रेंड को तो नहीं दे दिया? मैं दिया तो नहीं था, लेकिन हो सकता है किसी ने ले लिया हो। अब मेरे को कैसे मिलेगा बॉक्स? ले लिया हो बेटा, कोई फ्रेंड ऐसे थोड़ी लेगा। आयु पहले तो रोना बंद करो। क्यों हुआ? रोने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है? तू ऐसा कर, तेरे ट्यूशन में जितने भी बच्चे आते हैं ना उन सबको बुला कर ला। हाँ तो मैं ना उन्हें बैग के साथ बुला, तो बैग की चेकिंग भी कर लेंगे। नहीं तू ऐसा कुछ मत बोल, तू बस उनको बोल मेरी मम्मा बुला रही है, ठीक है? फिर अब कैसे करूँगी? अरे मैं हूँ ना, जा तू जल्दी से बुला कर ला, सबको बुला कर लाना है ना। फ्रेंड्स मैंने सबको बुलाया है, वो भी बिना बैग के। अब पता नहीं मम्मा कैसे ढूंढेगी मेरा बॉक्स, अब देखते क्या होगा। मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए। आ गए? आ जाओ बच्चों, बैठो सब। मैं एक मिनट में आई। क्या हुआ आयु, क्यों बुलाया है? नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया, मम्मा ने बोला था कि अपने फ्रेंड्स को लेके आ जाओ, उनको पता नहीं कुछ काम होगा शायद तक। लो बच्चों कुकीज खाओगे और गमी बियर्स? लो सब बच्चे कुकीज ले लो और गमी बियर खा लो। कानू आप भी लो बेटा। मम्मा पेंसिल बॉक्स ढूंढने की जगह सबको गमी बियर क्यों खिला रही है? आयु आप भी ले लो बेटा। अच्छा तो आज तुमने ट्यूशन में क्या पढ़ा? इंग्लिश चैप्टर 3। और मैंने 13 की टेबल भी सुनाई। मैम को 13 की टेबल सुनाई? हाँ। आती थी तेरे को? हाँ। अरे वाह, पता है मैम मुझे क्या बोल रही थी? मैम है ना तुम सबकी तारीफ कर रही थी। पता है मैम मुझे एक बात और बोल रही थी,
कि पढ़ाई तो कर लेते साथ में मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। आंटी मैं तो नहीं करती मस्ती, मैं भी नहीं करती। मैं भी नहीं करता, बिल्कुल तो बिल्कुल ही नहीं करता, मुझे पक्का पता है। पक्का। हेलो, क्या क्या बोल रहे भैया? ठीक है, पता है अंकल बोल रहे हैं नया वाला जो बॉक्स लेकर आई थी ना, उसके अंदर स्पाइडर है, उनके शॉप पर स्पाइडर्स ही भर गए। हाँ, पता है वो अंकल बोल रहे थे कि वो स्पाइडर बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ रहे हैं, 1,000, 1,000 के 10 लाख। क्या आंटी स्पाइडर पूरे बैग में भर जाएंगे? हाँ, पहले पूरे बैग में भरेंगे, फिर बैग से निकल निकल कर तुम्हारे रूम में भर जाएंगे, और फिर रूम से निकल निकल कर बाहर भी जाएंगे, पूरे घर में स्पाइडर स्पाइडर हो जाएंगे। आंटी बस 2 मिनट में। अरे कानो रुक, कहाँ जा? कानो रुक आंटी, मेरे घर में कोई काम है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इधर आ, वहाँ बैठो। क्या हुआ कानो, आप क्यों जा रहे थे? आंटी मेरे घर में स्पाइडर ही स्पाइडर होने वाले। क्यों, तेरे घर में कैसे स्पाइडर होंगे? वो अभी आंटी ने बोला उस बॉक्स के अंदर स्पाइडर थे। तो वो बॉक्स आपके बैग में कहाँ से आया? क्योंकि वो ट्यूशन में मैंने आयु के बैग में से निकाल के मेरे बैग में रख लिया था। देखा उम्मा, मैंने कहा था ना उसने लिया। कानू ऐसा क्यों किया? वो आयु नई नई चीजें लाके मेरे को चिढ़ा रहा था। कानू ये देख मेरी नई पेंसिल, और ये देख पेन जैसा ये इरेजर है, और ये मेरा पेन भी है, और देख पेंसिल बॉक्स तो कितना अच्छा है, और ये भी है, हम इसको ऐसे पेंसिल के पीछे लगा सकते हैं। आयु गलत बात ना, आपको मामा चीजें इसलिए दिला दी कि आप जाकर अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाओ। सॉरी मामा। बेटा फ्रेंड्स के साथ शेयर करते, उनको चिढ़ाते नहीं है चीजें दिखा दिखा कर। कल को कोई फ्रेंड लाए नहीं चीजें, वो आपको चिढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा? गलत बात ना, ऐसा करोगे तो मैं आइंदा आपके लिए कोई भी नई चीज नहीं लाऊंगी। कानू ऐसे बिना पूछे किसी की चीज लेना गलत बात होती है ना। आंटी सॉरी। आंटी तो स्पाइडर कहाँ गए? स्पाइडर तो है ही नहीं, मैं तो बुद्धू बना रही थी, झूठ बोल रही थी। सॉरी, अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी। पर मैंने झूठ क्यों बोला? झूठ पकड़ने के लिए। हाँ, तो चलो अब कानू और आयु हैंडशेक कर लो, आज के बाद हम फ्रेंड्स बनकर रहेंगे और बैड हैबिट्स फॉलो नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ये है मेरा फ्रेंड कानू, और आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमें किसी को भी चिढ़ा देनी चाहिए और कभी भी किसी की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। ओके टाटा।